डोमो रिंग्स एक्सट्रीम खेलने वाले हैं इस मैच को, और स्टील स्टेप से वार दी अंडरटेकर के ऊपर बहुत ही एक्सट्रीम खेलेंगे इस मैच में, और पूरी कोशिश करेंगे कि अपना टाइटल रिटेन कर पाएं। और बैरिकेड के ऊपर खतरनाक पावर बॉम्ब दी अंडरटेकर द्वारा, रोमन रेंस ने मूव स्वीप यूज किया और दी अंडरटेकर को खतरनाक चोक स्लैम मारा है, और अंडरटेकर एक ही चोक स्लैम में स्टन, और चोक स्लैम ये तो उससे भी लेजेंडरी है, खतरनाक चोक स्लैम है भाई, ये बहुत जोर से पड़ता चोक स्लैम ये वाला। तो हे गाइस, कैसे हो, वेलकम बैक टू माय चैनल दी गेमिंग हब, एंड होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है गाइस आप सभी के हमारे आज के इस गेम प्ले वीडियो में, जो कि होने वाले WWE 2K23 का गेम प्ले वीडियो। और आज के इस गेम प्ले वीडियो में दी अंडरटेकर कम्पीट करेंगे रोमन रिंग्स के साथ, वो भी द गेमिंग हब चैंपियनशिप के लिए, जो कि हमारे चैनल का ऑफिशियल टाइटल है। तो चलिए गाइस, बिना किसी तरीके आज के इस गेम प्ले वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, रोड टू 1000 सब्सक्राइबर चल रहा है। द गेमिंग हब चैंपियनशिप का मैच होने वाला है शुरू, और रेफरी ने बेल बजा दिया। दी अंडरटेकर तैयार है अपने यार्ड में रेसलमेनिया 22 में चैलेंज करने के लिए रोमन रिंग्स को, और चैलेंज कर भी दिया है दी अंडरटेकर ने, और वो भी द गेमिंग हब चैंपियनशिप के लिए। और ये यार्ड जो कि अक्षरा पवित ने काफी फेमस किया है द गेमिंग हब पर, इस यार्ड को रेसलमेनिया 22 को अपना यार्ड बताते हैं। आज ये चैलेंज किया है रोमन रिंग्स को, 8 टाइम द गेमिंग हब चैंपियन, और ऐसा करने वाले रोमन रिंग्स इकलौते सुपरस्टार है जिन्होंने ये टाइटल 8 बार जीत रखा है। द वन एंड ओनली 8 टाइम द गेमिंग हब चैंपियन रोमन रिंग्स कृष्णा हमारे इस चैनल के एलीट मेंबर, और दूसरी तरफ उनको चैलेंज करने आए हैं अंडरटेकर, उन्हीं के टीम के मेंबर ट्राइबल लाइंस के मेंबर हैं अक्षरा प्रयुक्त जिनका प्लेयर है दी अंडरटेकर हमारे सब्सक्राइबर, आज आपस में कम्पीट कर रहे हैं द गेमिंग हब चैंपियनशिप के लिए। और अंडरटेकर काफ़ी खतरनाक सुपरस्टार है, ऊपर से रेसलमेनिया अगर लगा हो तो अंडरटेकर को हराना बहुत मुश्किल होता है। तो ये गेम प्ले वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग जाने वाला है, ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाला है। अगर आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन, या हमारा रोड टू 1000 सब्सक्राइबर चल रहा है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन, ताकि आप किसी भी गेम प्ले वीडियो को या फिर किसी भी लाइव को मिस कर पाओ, और हमारा टारगेट जो है रोड टू 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो पाए। और दी अंडरटेकर इस मैच को और भी जल्दी फिनिश करना चाहते हैं, और आते ही पिन करने की कोशिश, लेकिन इजीली किक आउट किया है रोमन रिंग्स ने, इतनी जल्दी रोमन का पिन नहीं होने वाला, फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच है। और चैलेंज किया है दी अंडरटेकर ने, वो भी द गेमिंग हब चैंपियनशिप के लिए, अक्षरा प्रोहित का प्लेयर है और अपने ही यार्ड ने अक्षरा पवित ने दी अंडरटेकर का यार्ड रेसलमेनिया 22 जिसमें चैलेंज किया है रोमन रिंग्स को। और नाइस रिवर्सल बाय रोमन रिंग्स, बहुत बढ़िया रोमन, लेकिन अंडरटेकर है भाई, वो भी रिवर्स करना जानते हैं, तो रिवर्स पे रिवर्स किए जा रहे हैं दोनों सुपरस्टार। एक तरफ रिवर्स किया रोमन रिंग्स ने, लेकिन उसके बाद तुरंत बाद ही दी अंडरटेकर ने भी रिवर्स कर दिया रोमन का मूव, और बहुत ही बेहतरीन मैच ये जाने वाला है, दोनों ही काफ़ी खतरनाक सुपरस्टार हैं दी अंडरटेकर एंड रोमन रिंग्स, और पंचेस पे पंचेस रोमन रिंग्स के खतरनाक डेडली पंचेस दी अंडरटेकर को, और काफ़ी डैमेज कर दिया रोमन रिंग्स को वैसे दी अंडरटेकर ने। रोमन रिंग्स एक्सट्रीम खेलने वाले हैं इस मैच को, और स्टील स्टेप से वार दी अंडरटेकर के ऊपर बहुत ही एक्सट्रीम खेलेंगे इस मैच में, और पूरी कोशिश करेंगे कि अपना टाइटल रिटेन कर पाएँ और स्टिल बने रहें द गेमिंग हब चैंपियन। लेकिन रोमन रिंग्स को भी पूरी बराबरी की टक्कर देंगे दी अंडरटेकर अपने ही यार्ड में रेसलमेनिया 22। दी अंडरटेकर का यार्ड बताते हैं अक्षरा पुरोहित हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, और काफ़ी फेमस किया हुआ है ये उन्होंने अपना यार्ड रेसलमेनिया 22। और रोमन रिंग्स दूसरी तरफ भी स्टील स्टेप्स उठा के मारने वाले थे, लेकिन बीच में ही रिवर्स कर दिया दी अंडरटेकर ने, और सही किया, वरना अभी और डैमेज करता रोमन रिंग्स दी अंडरटेकर को, और खतरनाक रिवर्स पे रिवर्स किए जा रहे दोनों दूसरे के मूव। और इधर अब फिर से रोमन रिंग्स ने दी अंडरटेकर का मूव रिवर्स कर दिया है, बहुत बढ़िया पंचेस, लेकिन सारे पंचेस ब्लॉक, इसे ब्लॉक नहीं कर पाओगे, दी अंडरटेकर है वो भी इतनी आसानी से वो भी हारने नहीं वाले, खासकर अगर रेसलमेनिया लगा हो तो। और बैरिकेड के ऊपर खतरनाक पावर बॉम्ब दी अंडरटेकर द्वारा, बैक पूरी डैमेज कर दिया रोमन रिंग्स की, बहुत लाल कर चुके हैं बैक को, और इधर से हेड गुन के एकदम येलो कर दिया, तो डैमेज अच्छा खासा कर दिया दी अंडरटेकर ने रोमन रिंग्स को। और अभी भी एक्सट्रीम खेल रहे हैं अंडरटेकर, शायद स्टील स्टेप्स मारना चाहते हैं रोमन रिंग्स को, यस उठा लिया स्टील स्टेप्स, लगता है कि एक्सट्रीम वो भी खेलेंगे आज, और बहुत बढ़िया दी अंडरटेकर, लगता है किसी के ऊपर चोक स्लैम देंगे आज लेकिन अंदर भेज दिया रोमन रिंग्स को, और रोमन रिंग्स भी तैयार है गिलेटिन मारने के लिए,
लेकिन रोमन रेंस ने मूव सीव यूज किया और दिया अंडरटेकर को खतरनाक चोक स्लैम मारा है और अंडरटेकर एक ही चोक स्लैम में स्टन और इजिली किक आउट दिया अंडरटेकर का। भाई होगा भी क्यों नहीं, दिया अंडरटेकर है ऊपर से रेसलमेनिया और इधर से चलाके से पिन करवाने की कोशिश रोमन को और टू, लेकिन रोमन रेंस भी इतनी जल्दी नहीं हारने वाले। 8 टाइम तक गेमिंग हब चैंपियन को ऐसा नहीं बन जाता। रोमन रेंस को गिलेटिन, ओके दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे का मूव यूज कर रहे हैं, मूव थीफ यूज करके रोमन रेंस का गिलेटिन रोमन रेंस को ही। और पहले रोमन रेंस ने चोक स्लैम लगाया अंडरटेकर को, तो क्या बात है, दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे का मूव यूज कर रहे हैं इस मैच में और दोनों ही चाहते हैं कि कोई ना कोई मैच वो जीत पाएं, क्योंकि एक तरफ चैलेंजर दी अंडरटेकर इस मैच को जीत कर बनना चाहते हैं द गेमिंग हब चैंपियन, दूसरी तरफ रोमन रेंस जो कि करंटली गेमिंग हब चैंपियन भी हैं, 8 टाइम गेमिंग हब चैंपियन, वो अपना टाइटल इस मैच में रिटेन करना चाहते हैं ताकि उनका टाइटल रेन बरकरार रहे। और खतरनाक बिग बूट बाय दी अंडरटेकर, लेजेंडरी मूव और चोक स्लैम, ये तो उससे भी लेजेंडरी है, खतरनाक चोक स्लैम भाई, ये बहुत जोर से पड़ता चोक स्लैम ये वाला और स्टन कर दिया रोमन रेंस को। टू, और रोमन का रेजिलेंस क्या, और अब रोमन रेंस थोड़ा मुश्किल में लग रहे हैं क्योंकि चोक स्लैम लगा खतरनाक वाला और इस चोक स्लैम से रोमन रेंस का रेजिलेंस भी चला गया, तो रोमन रेंस थोड़ा मुश्किल में है अब। लेकिन दूसरी तरफ द अंडरटेकर के पास रेजिलेंस है, तो अंडरटेकर एक और अगर चोक स्लैम आपने मार दी या फिर आपने अगर फिनिशर मार दिया हल्स गेट वाला तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, तो उस मूव से भी आप जी सकते हो अगर आपने हल्स गेट या एक और चोक स्लैम मार दिया रोमन रेंस को और बस एक और फिनिशर लगाना है रोमन को दी अंडरटेकर ने, तो ये मैच इजीली जीत सकते हैं अंडरटेकर अपने ही यार्ड में। बहुत बढ़िया दी अंडरटेकर, और इधर से पिन हो रहा है और अंडरटेकर पिन कर रहे हैं रोमन रेंस का। टू, और इजीली किक आउट बाय रोमन रेंस और अभी तक मैच में बने हुए हैं और ये खतरनाक मूव दी अंडरटेकर का हेल्स गेट मूव है ये। अब बच नहीं पाएंगे रोमन रेंस, अब नहीं बच पाएंगे, लगता है कि टैप आउट कर देंगे क्योंकि रेजिलियंस नहीं है और फाइनली रोमन रेंस ने टैप आउट कर दिया, हेल्स गेट्स नहीं बच पाए रोमन रेंस और द अंडरटेकर द डेड मैन और उन्हीं का यार रेसलमेनिया 22 और उनके ही यार में आज रोमन रेंस हारे हैं अपना टाइटल द अंडरटेकर के यार में, द अंडरटेकर से अपना द गेमिंग हब चैंपियनशिप हार गए हैं और द न्यू गेमिंग हब चैंपियन इज अक्षरा पुरोहित जिनका प्लेयर अंडरटेकर है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अक्षरा पुरोहित फॉर बीइंग द न्यू गेमिंग हब चैंपियन। और ये अंडरटेकर का यार्ड रेसलमेनिया 22 काफ़ी फेमस किया है द अंडरटेकर ने और अक्षरा पुरोहित का सबसे फेवरेट प्लेयर द अंडरटेकर और उनका यार्ड रेसलमेनिया 22 और उसी यार्ड में अपने ही यार्ड में चैलेंज किया रोमन रेंस को और रोमन रेंस को हरा कर बने हैं द न्यू गेमिंग हब चैंपियन अंडरटेकर अक्षरा पुरोहित, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन अक्षरा पुरोहित फॉर बीइंग द गेमिंग हब चैंपियन। तो गाइस आज के इस गेम प्ले वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, तो अगर आपने ये गेम प्ले वीडियो एंजॉय किया तो उसको लाइक कीजिए वीडियो को और आगे भी शेयर कीजिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कीजिए बेल आइकन, रोड टू 1000 सब्सक्राइबर चल रहा है गाइस, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो जो भी बंदा नया आ रहा है ताकि हमारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट जल्द से जल्दी कंप्लीट हो पाए। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।